तस्वीरें इस वक्त आप स्मार्ट रोड से देख पा रहे हैं, जहां पर एक भयंकर हादसा हो जाता है। ये ऑटो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि गाड़ी वाला जो है इसे टक्कर मारकर यहां से फरार हो जाता है। और आप हालत देख सकते हैं इस ऑटो की, किस तरीके से आगे इसे पूरा डैमेज हो चुका है। जो इसका शीशा है वो पूरा यहाँ पर, यहाँ हालांकि शायद टूटा हुआ तो नहीं दिख रहा, यहाँ तो होगा ही नहीं, लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये पीछे जा चुका है। इसमें सवारियां भी मौजूद थी, बैग इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। मैं बोल रही थी कि आगे का जो मिरर है वो गायब है। ये किस तरीके से पूरा डैमेज हो चुका है, ड्राइवर सीट किस तरीके से पूरी आगे आ चुकी है। तो हार्दिक शूज में अंदर देख पा रहे, मतलब हादसा जो है भयंकर, डायल 112 यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है। और बताया जा रहा है कि इसमें सवारियां भी मौजूद थी, शायद कुछ लोगों को चोट भी आई है। फिलहाल अभी गाड़ी अपने उधर गांव की तरफ, तो गाड़ी पीछे से आई जी, अपनी साइड में था जी, पीछे से टक्कर मारी जी गाड़ी में उसका, तो गाड़ी डोल गई जी, तो फिर हट का फिर दोबारा टक्कर लगी जी उस कार की, दो बार लगी उधर साइड। फिर वो वहां तक गड्डी रोकी जी ना, फिर वो गड्डी लेकर भाग गया जी। अच्छा, रुके नहीं जी, सवारियां थी इसमें, सवारियां थी जी इसमें, चोट लगी है किसी को? हाँ जी, दो जनों को चोट लगी जी, ज्यादा चोट लगी, एक को जी कमर पलक गई थोड़ी, एक औरत का जी घोटे पर चोट लगी है जी। तो नुकसान भी काफी हो चुका है। हाँ जी, टूट गई थी, खत्म हो गई, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। हाँ जी, पहुँचा दिया, ठीक है, नहीं जी मेरे तो थोड़ी आपको यहाँ पे लगी, तो काफी स्पीड में थी क्या गाड़ी? नहीं जी, ये तो 20-30 की स्पीड पर चला, वो कार थी जी स्पीड पर, उन्हें दारू दूर पी रखी थी जी, कुछ ना कुछ कर रखा था जी। ये सवारियां थी जी मेरे साथ, कौन लोग थे? ये सवारियां थी, बताओ सवारियां, बिल्कुल ये सवारी बिल्कुल प्यार से चल रहा है, ये सवारियां भी उसने कट मारे ने, बेचारे ने कंट्रोल बहुत करी जी, फुल कोशिश करी जी ने कंट्रोल करने की, नहीं हुई तो उसके बस से बाहर चली गई। ये सवारी गलती है कार वाले की, नंबर ले रखा है कार वाले, फुल कार्रवाई, नंबर नोट कर लिया गाड़ी का, फुल कार्रवाई, मोटरसाइकिल वाले ने जाके किया जी नंबर, वहाँ जाके रुके होंगे जी इधर, वहाँ पुलिस को बता दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, बता दिया जी, ठीक है, आप ठीक है? सब ये है जी, दो जने का जो गाड़ी नंबर ये है जी, महिलाओं को लगी, एक आदमी के लोगी जी, एक महिला एक लगी जी, ये गाड़ी का नंबर भी यहाँ पर बताया जा रहा है, हालांकि आरोप लगाए जा रहे हैं इस तरीके से। लेकिन आपको एक बार रोड एक बार दिखा देंगे, क्योंकि जो दूसरी सड़क है वो बन रही है स्मार्ट रोड की, तो एक ही तरफ से दोनों आवाजाही जो आप देख पा रहे हैं, यही से जाना हो रहा है, यही से आना हो रहा है, तो ये भी कारण हो सकते हैं कि फिलहाल आरोप लगाए जा रहे हैं। गाड़ी की डायल 112 मौके पर पहुंच चुकी है, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी? एक्सीडेंट के बारे में कॉल आई थी, ये कंट्रोल रूम में वीडियो हो गई है, उसको राउंड अप कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसने भी एक्सीडेंट किया है, जो भी इंजर्ड थे सभी को ट्रामा सेंटर में भेज दिया है, बाउंड का इलाज कर रहे हैं। कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे? हाँ, कैमरे की तब दिख रहे हैं, जो हमारा कंट्रोल रूम है ना वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उनकी हेल्प लेके हम उसको राउंड अप कर रहे हैं, हाँ जल्दी ट्रेस करेंगे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्पीड में भी थी गाड़ी? हाँ, वो इसके ड्राइवर से पता करेंगे ना, इससे जाने हुए अप्लीकेशन लेंगे, इसके जैसा भी कार्रवाई चाहेंगे वैसी कार्रवाई करते हैं सर। हालांकि अक्सर हम ऐसे देखते हैं, लोग अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है, लोग रुकते नहीं है, भाग जाते हैं, मदद जरूर करनी चाहिए अगर ऐसी गलती भी हो जाती है, किसी से भी हो सकती है गलती, ये तो देखो किसी की जान बच जाए इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है, हेल्प करनी चाहिए सभी को, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। जी हाँ, इंसान ही इंसान के काम आता है, अगर गलती भी हो गई या अपने आस पास भी आप देखते हैं रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, लोग कड़प रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे थे, वो बहुत गलत चीज है, वीडियो बात नहीं, पहले मदद कीजिए। आप देख पा रहे हैं कुछ सवारियां जो है सेफ है, लेकिन दो महिलाएं बताई जा रही है उन्हें चोट लगी। आप देख पा रहे, मैं आपको दिखाती हूँ सीट किस तरीके से आ गई है, शूज यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो कितनी भयंकर ये टक्कर लगी होगी, बताया जा रहा है दो बार टक्कर लगती है, पीछे से स्पीड में गाड़ी आ रही होती है, इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। ऑटो को आप खुद देख पा रहे, ऑटो जो है पूरा घूम चुका है, ऑटो इस साइड जा रहा था, आप देख सकते हैं बलड़ी गांव की तरफ, मतलब ये जा रहा था, लेकिन ये ऑटो किस तरीके से घूम गया है, पीछे ये लग चुका है, आगे से पूरे तरीके से डैमेज हो गया, नुकसान भी हो गया, एक गरीब आदमी आप सोच सकते हैं किस तरीके से, आपका खुद का है ये, तो हालांकि नुकसान काफी महंगा भी आता है, इसको रिपेयर भी करवाएंगे, खत्म हो गया। तो साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और भी कहूंगी, अगर हम ये भी देखते हैं ना, कुछ भी हादसा हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, लोग ना खड़े होकर देखने लग जाते हैं, जाम लगा देते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर
सिंगल रोड किया हुआ है क्योंकि दूसरी सड़क बन रही है, तो यहीं से आवाजाही दोनों तरफ से हो रही है, तो लोग खड़े हो जाते हैं, वो अलग जाम लग जाता है, तो उसके कारण भी हादसा होने का डर रहता है। तो आप लोग प्लीज ऐसा, मतलब आपके देखने से कुछ नहीं हो जाएगा, अगर आप मदद कर सकते हैं तो वो मदद जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप आरोप लगाए जा रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पर पहुंचती है, स्पीड में होती है और रुकती नहीं है, तो रुकिए जरूर। और बताया जा रहा है जो पुलिस है 112 पहुंची हुई है, कैमरा तो इंस्टॉल है ही, कंट्रोल रूम के थ्रू जो है ट्रेस की जाएगी, गाड़ी का नंबर ले लिया गया है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा। आप देख पा रहे हैं गाड़ी की हालत क्या कुछ हो चुकी है, बहुत ही जोरदार टक्कर लगती है, जिस तरीके से आप डैमेज हुआ इस ऑटो को देख सकते हैं। दो महिलाएं बताई जा रही है उन्हें चोट लगी, उन्हें फिलहाल ट्रॉमा सेंटर भिजवा दिया गया है। आप लोगों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज यही अपील करता है, अक्सर करता आया है, कहीं आप अपने आसपास देखते हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हादसा हुआ है, किसी को अगर मदद की जरूरत है, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, मदद जरूर कीजिए, उनकी जान आप शायद बचा सकते हैं। वीडियो मत बनाइए खड़े होकर, अगर कोई बना रहा है उसे भी डांटिए, आप हेल्प जरूर कीजिए, अगर आपसे गलती भी हो गई है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, हॉस्पिटल पहुंचाइए, पुलिस को बुलाइए, पुलिस मौके पर यहाँ पहुंच चुके हैं 112 और अपनी जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं, और जो गाड़ी का नंबर है वो ले लिया गया है, ट्रेस जो है करवाया जाएगा। यही अपील, थोड़ा सा सावधानी से चलिए जब भी आप रोड पर चल रहे होते हैं, अपनी गति को नियंत्रण में करके चले। कीर्ति कथुरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।